हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई आज है 1 अक्टूबर और मैं जा रहा हुआ अपनी साइट पे। अभी मैं अपना स्कूल पे ही हूँ, ठीक है भाई। बाइक से जाऊँगा और वहाँ पे पहुँच कर बताऊँगा कि ये कुछ स्थिति आज की, और ट्रैक्टर आएगा या फिर एक से ही काम होएगा। एक से तो वो काम भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दूर की डाल कानू पड़े है मलबो, ठीक है। कैसे कैसा बाड़क हो जाए। तो भाई वो काम हमारा होने के बाद ना इस हाइड्रा को पक्का रिव्यू डाल लूँगा एक बार, ठीक है। वो काम ख़त्म होएगा उसका बाद, ठीक है भाई। इसका रिव्यू डाल दूँगा मैं। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ साइट पे अपनी पे, और एक ट्रैक्टर भेज भी दिया है भर के, ठीक है। तो आज यो वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ तक यो ही पूरा होगा, तो ठीक है भाई, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। एक यहाँ तक और फिर वो वाला स्टार्ट होएगा वहाँ तक, और फिर ये जो इससे आगे है ना, ये इससे जो आगे है ये दो पट्टा यहाँ से उठेगा जब यो काम होगा पूरा। ठीक है भाई, तो एक और ट्रैक्टर आएगा आज, दो ट्रैक्टर हो जाएगा आज। तो आज कुछ काम खींचने की संभावना है, जल्दी जल्दी काम होना है, ठीक है भाई। ये बाजार का इलाका है यार, यहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ है यहाँ पे काम करने की, रास्ता है नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। और ये तो यहाँ तक बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, यहाँ पे मशीन आ गई। इससे आगे जो ये गली है ना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे तो मशीन तो क्या ट्रैक्टर भी ना बढ़ पाएगा यहाँ पे, तो इतना कंजस्टेड है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये प्रोग्राम आज का। तो भाई एक और ट्रैक्टर आ गया है, कल आया जो ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर है, वो दो ट्रैक्टर होगा आज, ठीक है। आज कुछ देखांगा, अगर जल्दी जल्दी काम होएगा तो। तो भाई 2 बजने वाले और आज दोनों ट्रैक्टर चल रहा आज, ठीक है। और ये वाला जो पट्टा है ना पूरा होने वाला, बस इसमें 2 ट्रॉली और भरेगी फिर ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज कुछ स्पीड पे चल रहा है काम, अगर इसी हिसाब से चला काम तो भी 2 ट्रैक्टर से 2 दिन में काम होएगा ये पूरा। तो भाई शाम हो गई है, ठीक है, और अब टाइम हो रहा 5 बज रहा है, और यह 15वां चक्कर है, 15 चक्कर होगा आज। ठीक है भाई, और भाई मशीन अगर यो अभी यो काम पूरा हो जाएगा ना, हम मशीन वॉशिंग कर दूंगा, इसकी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दमदार मशीन है भाई बिल्कुल, इसमें कोई वो ना है झूठ बोलने वाली बात,
टाटा। तो भाई कई जो आदमी हैं जो कस्टमर है इसका, जिनका पास भी टाटा है ये मशीन, वो कहते हैं कि ये मशीन अच्छी नहीं है। तो भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता क्यों अच्छी नहीं है, इसमें के बढ़िया ना है इसको। यह बात तो मैं भी मानूँ, जो इसका गियर बॉक्स है ना, जो अगर इसके बजाय ये अगर मैनुअल ट्रांसमिशन दे देता ना, तो वो तो बहुत बढ़िया रहती। और इसलिए ये जो मशीन है ना, ये फ्लॉप हुई है इसी इस गियर बक्से की वजह से, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन में जान ही बिल्कुल अलग होती है उसमें। ये इतना जोर वाला ट्रांसमिशन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इनको गलती हुई है, तो भाई इन्होंने गलती तो वैसे अपनी सुधार ली है। अब जो टाटा हिटाची आ रही है ना मशीन, उनमें सब करारो का एक्सल और ट्रांसमिशन, वो मैनुअल वाला, वो जो यहाँ पे होता है ना एक, वो गियर का, वो बढ़िया गियर बक्सा आता है, ठीक है भाई। तो इसमें तो बस यही प्रॉब्लम है। अगर आप इसमें अगर बदलवाना भी चाहते हो ना इसमें मशीन में गियर बॉक्स, तो वो भी चेंज हो जाएगा। जो ट्रायरेक्स जो कंपनी की जो मशीन नहीं आती है ना, उनका गियर बॉक्स फिट हो जाता है इसके अंदर। और मेरी बात भी हुई है एक उससे मिस्त्री से, वो कह रहा था कि इसमें उस कम मशीन का ट्रांसमिशन वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बस यही प्रॉब्लम है इसमें, और तो सब बढ़िया है, बिल्कुल जीरो में मेंटेनेंस मशीन है। बस अपना ग्रीस तेल पानी पूरा रखो, मशीन एकदम बढ़िया चलेगी, ठीक है भाई। तो भाई अभी इस काम में है ना, कम से कम 2 दिन और हो जाएगा, 2 दिन में काम होएगा पूरा, अब 2 ट्रैक्टरों से।